8 तीव्रता के भूकंप के झटके, कई इमारतों को नुकसान, 4000 की मौत, सीरिया तक कांपी धरती। दोस्तों आपको बता दें, तुर्की ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नुर्दुगी से 23 किलोमीटर पूर्व की ओर ये झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान 15 लोगों की मौत हो गई है, 16 इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। सन लिर्फा मेयर ने इसकी पुष्टि की है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र गाजियाटेप से लगभग 33 किलोमीटर 20 मील और नुर्दुगी शहर से लगभग 26 किलोमीटर यानी 16 मील दूर था। यह 18 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके दूर सीरिया तक महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की माने तो भूकंप की वजह से कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। तुर्की के राष्ट्रपति रजेप तैयब अर्दगान ने ट्विटर पर कहा कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव दलों को तुरंत भेजा गया। हमें उम्मीद है कि हम इस आपदा को एक साथ जल्द से जल्द और कम से कम नुकसान के साथ पार कर लेंगे। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहाँ दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं।